गलत टाइम पे ही गाड़ी खराब हो गई है। बैटरी का प्रॉब्लम है इसके अंदर, लेकिन जो ओनर है ना वो मान नहीं रहे वो गाड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 14th ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज है 14 मई और समय की बात बताया तो सुबह के बज रहे 6:30। और आज इस ब्लॉग में मैं आपके लिए क्या कुछ अलग लेके आ रखा हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सुबह सुबह 6:30 बजे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है 9:30 बजे होती है। तो दोस्तों, मैं जस्ट अभी अपने पापा को छोड़ के आया हूँ ऑफिस और ये खड़ी भाई मेरी बाइक यहाँ पे। तो क्या था ना दोस्तों, यहाँ से ना लोकेशन थी, यहाँ से व्यू था, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों कितना ही बढ़िया है, यहाँ पे सनराइज हो रखा है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और देखो सुबह सुबह लोग कितने सारे निकल चुके अपने घर से। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि दोस्तों मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं ड्राइविंग में कहाँ काम करता हूँ। तो मैं रहता हूँ दिल्ली NCR और मैं काम करता हूँ गुड़गांव। यहाँ से देखो जहाँ पर अभी मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है, मात्र वैसे तो ये है यहाँ से, मतलब ये समझ लो तुम 8 किलोमीटर तो होगा यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अभी मैं इस समय एग्जैक्टली इफ्को चौक पे खड़ा हूँ, MG रोड के फ्लाईओवर के ऊपर। तो दोस्तों आज मैंने कर दिया है कुछ अलग। क्या कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। आज मैंने ना ड्राइव व्यू की राइड नहीं ली है, आज मैंने ले ली है टैडी की राइड। टैडी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लेना। मैंने टैडी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जॉइनिंग से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा टैडी में। तो आज मैं टैडी में काम करने वाला हूँ। 8 घंटे की बुकिंग होने वाली है, ऑटोमेटिक गाड़ी रहने वाली है और दोपहर के 12 बजे से हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अर्निंग दोस्तों बहुत ही कम है, 582 रुपीज़ है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो। और 752 रुपीज़ ऐसे कुछ अमाउंट उसमें दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने इस बुकिंग एक्सेप्ट करी तो 582 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं। कस्टमर का नाम आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, दिखती है कस्टमर का नाम। और ये राइड मेरे घर से मात्र 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों देखते हैं कि वैसे मेरा टैक्सी के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, पुराने वाले कस्टमर काफ़ी अकड़ू थे। देखते हैं इसमें, ये एक फीमेल कस्टमर है तो ये कितनी पोलाइट है कितनी नहीं है, तो ये सब चीज़ें आगे जाके पता चलेगा। और 8 घंटे की बुकिंग में भाई बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। देखते हैं कि दोस्तों अगर 8 घंटे से ऊपर होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जो भी होगा बने रहिए ब्लॉग में। और चैनल पे पहली बार आया तो क्या करना है आपको पता ही है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब सीधा और मिलता हूँ आपसे बुकिंग के 12 बजे। तो दोस्तों समय की बात बताऊँ तो अभी इस समय बज रहे हैं दोपहर के 11:30, सॉरी दोपहर नहीं सुबह के बज रहे हैं 11:30। और तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी और भाई पहुँचना है वहाँ पर वैसे 12 बजे। ये एक अननोन लोकेशन है, मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ। इस लोकेशन का नाम है ये देखो डेल ऑफ रेगवुड स्ट्रीट C043 में मुझे जाना है। और ये दोस्तों अरे यार ये आवाज़ की तो, और दोस्तों ये टैडी की बुकिंग है। टैडी कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो 12 बजे की बुकिंग है और टाइम देख लो बिल्कुल अभी 11:31 हो। तो चलो चलते हैं यहाँ पर, टाइम से पहुँचते हैं। और भाई देखो जैसे वहाँ पहुँच जाना तो स्वाइप कर देना है। तो मतलब ये सिस्टम है कि भैया जब आप वहाँ पहुँचा तो स्वाइप कर दो, कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर आ चुके हो उनकी लोकेशन पर। और दोस्तों उनके पास आता है OTP, वो OTP जैसे आप डालोगे तो आपकी राइड हो जाएगी स्टार्ट। तो गाड़ी ऑटोमेटिक है, जो भी गाड़ी कौन सी है इसमें दिखा नहीं रहा, जब मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा तो ही शो करेगा। तो चलो चलते हैं और सीधा मिलता हूँ अब मैं आपसे आगे। दोस्तों तुम्हारा भाई पहुँच चुका है लोकेशन पर और जस्ट ये देखो मैंने यहाँ पर अराइव कर दिया है। और बस स्वाइप टू राइट जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर ना OTP का ऑप्शन, एक बात हमें निकल जाना है। और ये रहा हमारा सी ब्लॉक जस्ट पीछे, ठीक है। और मेरे पार्क यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो चलो पहले अब कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ कि कौन सी गाड़ी है और क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है, सब कुछ आगे बताता हूँ आपको। तो दोस्तों गाड़ी की बात बताऊँ तो गाड़ी मिली है हमें ऑटोमेटिक, वो तो मुझे पहले से पता था गाड़ी कौन सी है, बताऊँगा नहीं दिखाऊँगा कि यहाँ की भाई बहुत सही है गाड़ी। और यार एक दिक्कत हो गई कि दोस्तों मेरा तो चश्मा था ना, इसकी बैंड बज गई, ये टूट गया, पता नहीं यार ये कैसे टूटा। नहीं जेब में था, हाथ में पड़ा था, ये टूट के नहीं कहाँ गिरी गया, अब इसको मैं कहाँ ढूंढता रहूँ। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं और हमारे ये जो टूर है वो 8 घंटे का होने वाला है आज। और देखते हैं हमें कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो आपको तो आगे अपडेट हो जाएगा। अर्निंग की बात कर लेते हैं, इसमें 582 रुपीज़ नेट अर्निंग हमारे हाथों में बचेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है।
लेकिन मैंने यार ये टैट डी ही क्यों ली, ड्राइव क्यों नहीं ली, क्योंकि पता नहीं कल रात को ये बुकिंग आई मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार टैट डी में भी करके देख लेते हैं। क्योंकि क्या ना टैट डी में क्या है कि अगर आप 3-4-5 मतलब अगर 5-6 राइड कर लोगे ना टैट डी के अंदर, तो आपको ना इसमें आउट स्टेशन की बुकिंग ज़्यादा मिलती है टैट डी के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको भी हमारे 30 डेज चैलेंज के अंदर ऐड कर दिया, टैट डी को भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से और करता हूँ मैं आपको आगे अपडेट, ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं भाई कनॉट प्लेस सीपी, और लगभग यहाँ पर आने में लग गए हमें कितने मिनट, टाइम की बात बताओ 1:14 हो रहे हैं, 12 बजे निकले थे। तो पर देख लो भाई किया कि सेल्टॉस पहली बार चला रहा तुम्हारा भाई, वैसे तो इससे बड़ी बड़ी गाड़ी चला चुका है लेकिन सेल्टॉस पहली बार आई है मेरे हाथों में। बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है, बहुत बढ़िया स्मूथ गाड़ी है, जैसे मैंने वेन्यू चलाई थी ना उसकी तरह स्मूथ लगी, वेन्यू से भी स्मूथ गाड़ी लगी मुझे किया की। तो दोस्तों आपको तो पता ही अर्निंग कितनी होने वाली है हमारी इस राइड में, और अभी मैं थोड़ा सा पालिका रखा हूँ तो थोड़ा सा घूम लूंगा और थोड़ा ज्यादा दोस्त के यहाँ चल जाऊंगा, क्योंकि कस्टमर का लगने वाला है यार काफी ज्यादा टाइम। तो चलो देखते हैं क्या करना है आगे, वहां से ट्रेन जा रही है बहुत दूर से, आपको दिख रही है वो, देखो चल रही है तेरी। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या मिलता है आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों अभी पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं, और समय की बात बताऊं तो अभी इस समय 2:05 हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो। और भाई मैं आ रखा था अभी बीकाजी कामा प्लेस, यहाँ पर साउथ कैंपस के पास आसपास। तो यहाँ पर भाई मेरे दोस्त रहता है, उससे मिलने के लिए आ रखा था, कनॉट प्लेस से लगभग 12 किलोमीटर दूर था, तो उनको वापस शॉपिंग में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि ना दोस्त से मिलकर आ जाता हूँ। तो अभी मैं कस्टमर की गाड़ी लेके आ रखा हूँ, तो वैसे तो उनको आज 7-8 घंटे लगने वाले, 7-8 घंटे नहीं 6 घंटे लग जाएंगे मार्केट में शॉपिंग करते करते, तो इसलिए मैं यहाँ गाड़ी लेकर आ गया था और मिल भी लिया 1.5 घंटे से यहीं पर था मैं दोस्त के साथ अपने, ठीक है। और कुछ काम था वैसे मुझे उससे इसलिए, और बाकी चलो दोस्तों अब यहाँ से वापस कनॉट प्लेस जा रहा हूँ, और बाकी टाइम मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और गाइज आपके जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सुझाव हो, मुझे नीचे कमेंट कर देना, और भाई आप लोग भर भर के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो, सभी के मैं रिप्लाई कर देना, लेकिन भाई किसी किसी की रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कई बार किसी और कामों में मैं बिजी भी रहता हूँ, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं, तो और कभी कभार मैं आउट स्टेशन में भी रहता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है। तो अभी मैंने रिसेंटली 2 आउट स्टेशन की बुकिंग मैंने मारी है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वो ऑफलाइन दोनों आउट स्टेशन की बुकिंग पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि ड्राइव व्यू के थ्रू कोई आउट स्टेशन मुझे मिले, और मैं देखना चाहता हूँ कि ड्राइव व्यू का जो ऐप है वो कितना दे रहा है। वैसे जितना मुझे पता है कि ड्राइव व्यू का ऐप और टैट डी का ऐप अच्छा खासा ही पेमेंट देते होंगे, मैंने आज तक कभी ट्राई तो नहीं करी, मैंने ऑफलाइन ही आउट स्टेशन ले गया हूँ अपने हिसाब से पैसे बोल के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ड्राइव व्यू के थ्रू एक बार आउट स्टेशन जरूर मारूं, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते फिर आगे, देखते क्या अपडेट है। तो भाई यार आज तो मतलब गलत टाइम पे ही गाड़ी खराब हो गई है, और अभी यार रखा था पानी वानी भराने के लिए और नई मोबाइल लेने के लिए, गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने यहाँ बिल्कुल सामने, और अभी टोइंग मैन बुला रखी है, ले जाएंगे उठा के। ख़राब कैसे ही मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक खड़ी थी नॉर्मली, नॉर्मल खड़ी नहीं होती बस वैसे ही, मैं यूँ गया और 2 मिनट वापस आया, और जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब नहीं और तो क्या करें, फिर काफ़ी परेशान हुआ कि आके सर्विस सेंटर में कॉल किया और लोकल जो मैकेनिक उनको कॉल किया। वैसे जो गाड़ी है ना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ बैटरी का प्रॉब्लम है इसके अंदर, लेकिन जो ओनर है ना वो मान नहीं रहे, वो कह रहे कि नहीं सर्विस सेंटर ले चलो। तो चलो ले चलते फिर भाई, हमारा क्या जा रहा है। मैंने तो एक सजेशन दिया था और टेक्नीशियन भी से बात हुई, तो उसने बोला कि बस बैटरी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं नहीं कुछ गाड़ी नहीं करनी है, सीधा शोरूम लेके चलना है। तो अभी मैं कनॉट प्लेस में हूँ और लेके जाना है फिर कहाँ पर, नजफगढ़ कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ रोड है, वहाँ लेके जाना है, 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वापस सर्विस सेंटर है, वहाँ जाएंगे और देखते हैं क्या सिस्टम है। क्योंकि कुछ और भाई बैटरी ठीक करने चक्कर में कुछ और दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये भी एक प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो सही है किया कि सीधा सर्विस सेंटर ले चल रहे हैं गाड़ी को, 1 घंटे हो गए, क्रेन अभी तक आई नहीं है, आने वाली है, ऑन द वे है, बस आती होगी कुछ देर में, तो जब टो करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखो दोस्तों ये खड़ी गाड़ी है यहाँ पे, और इसमें प्रॉब्लम आ रखी है लास्ट 3:30 बजे से, और कस्टमर भी अभी इसके अंदर ही बैठा हुआ है, और कस्टमर के बच्चे भी हैं इसी के अंदर, देखो। तो यहाँ से लेके चलनी है आगे अभी। करें
कंपनी में बात हो गई ना सर्विस सेंटर में, तो वो लोग कह रहे थे मैं कहा कभी देखी नहीं उठती हुई गाड़ी दोस्तों। समय की बात बताऊं तो अभी इस समय टाइम पता कितना हो रहा है, मुझे भी नहीं पता कितना हो रहा है यार, चेक करना पड़ेगा फ़ोन में, एक मिनट रुको। निकाल लिया है फ़ोन, 9:24। तो भाई सारा काम ख़त्म वो तुम करके, मतलब क्रेन से हमने वहाँ पर गाड़ी पहुँचा के सर्विस सेंटर सब कुछ, भाई पता कितना खर्चा आ गया उनका, 2500 रुपये क्रेन का हो गया, और अब पता नहीं सर्विस में कितना लगेगा। फिर वहाँ से फिर वो लोग कैब करके आए, मैं भी अभी कस्टमर के यहाँ पहुँचा हूँ सी ब्लॉक, 700 रुपये हमारा कैब का हो गया दोस्तों। तो देखो कितना खर्चा हो जाता है गाड़ी में, और पता नहीं यार गाड़ी में अचानक चलते चलते यार उसमें ESC इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ था यार, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग कंट्रोल का कुछ एरर आ रहा था बार बार। तो अभी इस समय मैं कस्टमर की लोकेशन जस्ट अभी पहुँचा हूँ, हम कैब ने हमें बस यहाँ जस्ट ड्रॉप किया है। तो दोस्तों हमारी इस राइड की जो अर्निंग हुई है वो 663 रुपीज़ हुई है, और पेमेंट कैश मैंने ले लिया है। और अगर भाई ये वापस भी आना होता ना उसी गाड़ी से जो हम किया सेल्टोस ले गए थे, तो यार थोड़ी मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन क्या है कि भाई मैं ही परेशान, ये भी परेशान, पूरी फैमिली साथ साथ हम सर्विस सेंटर गए सब लोग, और सब लोग साथ में ही वापस आए दोस्तों। इस तरीके से देख लो सोसाइटी के यहाँ खड़ा हूँ बाहर, 9:30 बज गए, कहाँ मैं जल्दी आ जाता, कहाँ मैं लेट हो गया, बहुत टाइम लग गया भाई। 2:30 या 3 बजे गाड़ी ख़राब हुई, 6:30 बजे क्रेन आई, और 8 बजे हम वहाँ पहुँचे, 9:30 बजे गुड़गांव आए। तो चलो कोई नहीं, इस वीडियो को दोस्तों यही क्लोज़ करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कल के नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो के साथ। और ये टैडी की वीडियो थी, टैडी ने तो यार पिछले बार टैडी का कस्टमर ख़राब निकला, आज टैडी की गाड़ी ख़राब निकली, यार टैडी में ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में ऐसी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।